इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत के मध्य में भोपाल के पास विंध्या की इन पर्वत श्रृंखलाओं में किसी समय आबादी हुआ करती थी। भारतीय उपमहाद्वीप के ये सबसे पुराने शिलाखंड इस बात के गवाह हैं कि यहाँ हजारों साल पहले भी लोग रहा करते होंगे। इनकी दीवारों पर अंकित जीवंत आकृतियों और कलाकृतियों की वजह से ही भीमबेटका को विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है और तभी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। सन 1970 में इस जगह खुदाई की गई थी और डॉक्टर व्यास खुदाई करने वाली टीम के सदस्य थे। डॉक्टर व्यास ने हमें भीमबेटका की गुफाओं की सैर कराई। उनका कहना है कि जंगलों, वन्य प्राणियों और वनस्पति से घिरी पर्वत श्रृंखला लोगों के रहने के लिए एक आदर्श जगह थी। एक्चुअली ये जो पूरी जो साइट है विंध्याचल पर्वतमाला में आती, ये आदि मानव के रहने के लिए बड़ी उपयुक्त थी, क्योंकि इसमें काफ़ी शेल्टर्स प्राकृतिक बने हुए थे, जंगल बहुत था और यहाँ पे खाने पीने के लिए, रहने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। शिकार के लिए जानवर यहाँ बहुतायत में थे और यहाँ पर आसानी से जो पत्थर के हथियार बनाते थे वो पत्थर की क्वालिटी सैंडस्टोन की बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो यहाँ पर जितने भी क्लीवर्स बनाए या हैंडेक्स बनाए या जो भी बनाए तो उससे जो शिकार करते थे यहाँ उनके लिए बहुत उपयुक्त था। पानी पर्याप्त मात्रा में था, रहने के लिए बड़ी अच्छे स्थान था। इतने सुंदर स्थान जैसा भीमबेटका में है विंध्याचल पर्वतमाला में उतना सुंदर कहीं नहीं है। यदि नर्मदा के एक साइड में हम देखते हैं तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है, दूसरे तरफ इसमें सतपुड़ा, तो सतपुड़ा रेंज में हमें चित्र तो मिलते हैं पर इतने नहीं मिलते जितने यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो फाइन ग्रेन इसका सैंड स्टोन है, इसकी जो सरफेस बड़ी स्मूथ है, तो ये हाथ बड़े पेंटिंग बनाने वाले कलाकार के बड़े अच्छे चलते थे और बहुत अच्छे तरह से बनाते थे। ये पर्वत श्रृंखलाएं 1892 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि यहाँ भीमबेटका के तरह ही 5 और पर्वतें हैं जिनमें विनायक, भुनरावली, लखजौर भी शामिल हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं में भीमबेटका सबसे अधिक सुलभ है, जहां सबसे ज्यादा खुदाई हुई है। इसका बड़ा श्रेय डॉक्टर वी एस वाकणकर को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले भीमबेटका की खोज की थी। इसकी खोज कैसे हुई ये भी एक दिलचस्प कहानी है। तो एक बार कह रहे थे, एक बार किसी काम से वो भोपाल से नागपुर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी ट्रेन रुकी, पैसेंजर ट्रेन थी, तो ट्रेन से अब्दुल्लागंज में रुके, वहाँ देखा कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो वो समझे कि शायद कोई किला होना चाहिए। ऐसे उत्सुकता, वो उनके मन में उत्सुकता हर चीज़ की होती थी कि वो हर चीज़ चाहते कि मैं देखूं। तो यही सोच के वो अगला स्टेशन जो था अब्दुल्लागंज के बरखेड़ा स्टेशन, वहाँ उतर गए। उस समय शाम हो गई थी और उस समय मार्च का महीना था, ऐसे कहते 23 मार्च, उन्होंने बताया था 23 मार्च 1957 में सबसे पहले यहाँ आए। तो यहाँ पर जब उतरने के बाद सुबह के समय में अगले दिन ये इनके चट्टानों के डायरेक्शन पे देखते हुए यहाँ आए, तो जब पहाड़ी के ऊपर आए तो उन्होंने यहाँ मंदिर देखा, तो मंदिर में देखा एक बाबा बैठे हैं, तो उनसे कुशलक्षेम पूछी क्या हुआ, क्यों आए, कैसे आए। तो वाकणकर जी ने अपना उद्देश्य बताया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ शैल चित्रों को देखने के लिए। तो वाकणकर जी के साथ कुछ घूमे या गुफाएं देखी, उन्होंने ऑडिटोरियम देखा, हाथी गुफा देखी, कई ऐसी गुफाएं देखी। यहाँ जब उनका ये विचार था, हम लोग डिस्कस करते थे कि इतना बड़ा स्थान है, ज़रूर आदिमानव के अवशेष मिलना चाहिए, तो पहले पूरा क्षेत्र सर्वे किया, फिर उन्होंने जो ऑडिटोरियम जो सबसे बड़ा शेल्टर है वो उनको ठीक लगा, तो वहाँ उन्होंने जगह देखी, दो जगह देखी कि ये स्थान उपयुक्त होना चाहिए कि उत्खनन करना चाहिए। 70 के दशक के आरंभ में जिस टीम ने भीमबेटका में खुदाई की थी, डॉक्टर व्यास उसका हिस्सा थे। उस समय यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी तरह के आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा था कि यहाँ बहुत कुछ छुपा हुआ है। प्रारंभिक में जब वाकणकर जी के साथ हमने सर्वे किया था तो पूरे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्होंने कई ग्रुप्स बनाए, तो हर ग्रुप में शेल्टर्स हैं। उसमें सबसे पहला ग्रुप विनेका ग्रुप है, दूसरा भोरावाली ग्रुप है, तीसरा भीमबेटका ग्रुप है
और चौथा और पाँचवा लाखाजवार ईस्ट और वेस्ट है, और उसके बाद जो छठा सातवां ग्रुप वो थोड़ी दूरी पर है, रेहटी रोड पर पड़ता है, उसको बाबा की मुनि बाबा की खो और पीर का बड़ला कहते हैं। तो पूरा सर्वे के करने के बाद जो पांच ग्रुप जो है लाखाजुआर तक के करीब 650-700 लगभग रॉक शेल्टर्स है, उसमें आधे से भी अधिक उनमें चित्र बने हुए, क्योंकि छोटे बड़े सभी शेल्टर देखे सभी में चित्र हैं, लेकिन कुछ जो शेल्टर जिसमें चित्र नहीं है। लेकिन वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इसका रिसर्वे करवाया, जब यूनेस्को में इसको लिए जाने के बाद, तो कुल यहाँ 1000 रॉक शेल्टर मिले। क्योंकि अब वो 1000 रॉक शेल्टर्स मिले उसमें पेंटिंग कितने में ये भी देखना बाकी है, फिर भी कम से कम 500-600 के अंदर इतने पेंटिंग जो पहले हमने देखे वो हैं। ये बात कि यहाँ लगभग 1000 आश्रय हैं इस बात का गवाह है कि ये बसने के लिए कितनी महत्वपूर्ण जगह रही होगी। खुदाई से पता चला कि यहाँ पेलियोलिथिक युग यानी 60,000 साल पहले भी लोग रहा करते थे, लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करना काफी मुश्किल रहा। तो उन्हें पहली ट्रेन से जो ली बीच में ऑडिटोरियम के बीच में, तो उसमें देखा कि ज्यादा डिपॉजिट नहीं मिला, क्योंकि उसमें पानी का ऐसा बहाव था पुराने समय का तो सूख चुका, लेकिन उसमें ऐसा कोई सीमेंटेड मटेरियल आ गया था जिसे ब्रेजिया कहते हैं, तो ब्रेजिया के अंदर टूल्स काफ़ी एम्बेडेड थे, तो छेनी हथौड़े से वो निकाले, लेकिन उसमें समय ज़्यादा बर्बाद हो जाता। तो उन्होंने एक दूसरा स्थान देखा, यानी वो जो एक एंट्रेंस जैसा दिखता है गेट जैसा, वहाँ उन्होंने एक स्थान देखा, तो 4x4 मीटर की उन्होंने ट्रेंच ली और धीरे धीरे खोदना शुरू किया। तो खोदने में उनको जो पता चला कि यहाँ अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है, यानी मिट्टी का जमाव अलग अलग कालों का है, तो उस ऊपर से लगा के सबसे नीचे तक गहराई तक गए, तो सबसे नीचे उनको लेवल में कुछ एक गोल पत्थर मिले। गोल पत्थर एक पेबल टूल बोलते हैं यानी आर्कियोलॉजी के लैंग्वेज में, तो उसमें फ्लेकिंग होती है, उसको चापर भी बोलते हैं, चापर चोपिंग भी बोलते हैं, वो सबसे नीचे लेवल मिले। तो उन्हें लगा कि यहाँ पर जो पेबल टूल कल्चर है बहुत पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता है। तो उसके बाद जब थोड़े ऊपर लेवल में आए तो उनको कुछ नहीं मिला, स्टेराइल लेवल बोलते हैं जिसमें कुछ नहीं मिलता। उसके ऊपर उन्होंने पेलोलिथिक टूल्स उन्हें मिले, पेलोलिथिक टूल्स ने डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, उस समय क्या है कि जब 1972-73 में एक्सकवेशन हुआ तो टर्मोलॉजी कुछ अलग थी, तो उसको सीरीज 1 टूल बोलते थे, और टूल्स टाइप के भी नाम थे, जो नीचे कुछ फ्लैग टूल मिले जिसमें क्लीवर टाइप के कोई रफ टेप थे, तो उसको अभिविलियन टूल कहते थे, और उसके बाद थोड़ा और अच्छे मिले अशुलियन टूल्स मिले। तो क्योंकि एक फ्रांसीसी एक टर्म्स है कि सबसे पहले ये अभिविलियन और माजदे अशुल, वहाँ ये टूल्स मिले, तो उसकी टर्म्स वो देख, तो उस समय टर्म्स वो चली थी। तो पेलियोलिथिक लेवल जो पेबल टूल हुआ, पेबल टूल के बाद अभिविलियन, फिर अशुलियन, उसके बाद मिडिल स्टोन एज में कुछ छोटे टूल्स बनने लगे जिसमें फ्लेक थी, स्क्रैपर्स थी, वो जब लेयर समाप्त हो जाती तो लेट स्टोन एज आ जाता है। स्टोन एज का जो आखिरी पीरियड होता उसमें अधिकतर माइक्रोलिथ्स मिले। माइक्रोलिथ्स तो कई तरह के थे, ग्रीन जास्पर के थे, रेड जास्पर के थे, बहुत से स्क्रैपर थे, ब्लेड्स थे, पॉइंट्स थे, इस टाइप के, और कई टाइपोलॉजी थी जिसमें आर्कियोलॉजी में कुछ ल्यूनेट्स बोलते हैं, ट्रेपिस बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं, इस टाइप के टूल्स मिले। और उसके ऊपर लेवल पे मेसोलिथिक लेवल आता है जिसे मध्यास में भी कहते हैं। मेसोलिथिक लेवल में कुछ माइक्रोलिथ्स मिले, थोड़े बड़ी साइज के थे, वो भी जास्पर के, चालसिडोनी, क्वार्ट्ज, इनके सबके मिले। उसके पश्चात उसके माइक्रोलिथ्स के ऊपर जो लेयर्स थी वो चालकोलिथिक पीरियड की मानी जाती है। तो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर कुछ ब्लेड्स मिली थी, लेकिन मेनली तो उसमें पॉटरी होती थी। कुछ पॉटरी ऐसी मिली जो कि चालकोलिथिक पीरियड से मिलती जुलती है, क्योंकि आसपास वो एक दो साइट थी, उसके लिए कंपेरेटिव स्टडी करी उन्होंने, तो उसमें लगा कुछ पॉटरी पे हिरण वगैरह जैसे बने जो कि चालकोलिथिक लेवल में बनाए जाते थे। यदि हम टूल्स टर्मोलॉजीज में देखें तो सबसे अर्ली टूल्स ऑडिटोरियम के उसमें मिले, जो सबसे नीचे पेबल टूल्स मिले, क्योंकि जब पेंटिंग बनाने की जो प्रथा है काफी अपर स्टोन से चालू होती है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में हालांकि लोग हजारों साल पहले रहते थे, लेकिन भीमबेटका की गुफाओं में अंकित कलाकृतियां मेसोलिथिक युग यानी करीब 10,000 साल पुरानी है। कुछ गुफाओं में मिली कलाकृतियां उससे भी ज्यादा पुरानी है, जिनके ऊपर नई कलाकृतियां बनाई प्रतीत होती है। अच्छा, पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया जो यहाँ हुई है मनुष्य में, वो अपर पेलियोलिथिक लेवल से मानी जाती है, क्योंकि भीमबेटका के मेन ग्रुप में वो नहीं है, लेकिन जो सेकंड ग्रुप इसका है जिसे भोरा वाली ग्रुप कहते हैं, उसमें कुछ शेल्टर्स ऐसे हैं जिसमें ऊपर सुपर इम्पोज पेंटिंग है, जिसमें नीचे ग्रीन पेंटिंग है,
उसके ऊपर लाल रंग के पेंटिंग है जो कि मेसोलिथिक लेवल के, उसके नीचे अपर पैलोलिथिक लेवल के हरे, क्योंकि उसके अंदर क्या ये प्रश्न उठता है कि अपर पैलोलिथिक कैसे माना, क्योंकि यहाँ पर एक रॉक सेल्टर में एक्सकवेशन किया था तो यहाँ चालकोलिथिक मेसोलिथिक लेवल पर एक बरियल मिला था, चाइल्ड बरियल, उसकी जब डेटिंग हुई थी 10,000 साल एंड मेसोलिथिक पीरियड, और उसके नीचे तब थोड़ा और एक्सकवेशन किया तो कुछ ग्रीन कलर के नोड्यूल्स मिले, जैसा लगता है जैसे उसमें कलर निकाला, तो वो कलर और जो रॉक पेंटिंग का कलर दोनों समान करते हैं, तो वो जो लेटर लेवल था अपर पैलोलिथिक पीरियड का था। इस प्रकार उसी कंपरेटिव स्टडी की, उसके बाद जो टर्मोलॉजी जैसे होती है अपर पैलोलिथिक के बाद में मेसोलिथिक है, उसके बाद चालकोलिथिक है, फिर हिस्टोरिकल है, फिर मेडिवल पेंटिंग, तो इनके भी जो डिफाइन किया हुआ है कि जो अर्ली पेंटिंग होते हैं चाहे मेसोलिथिक लेवल के या चालकोलिथिक, मोस्टली उसमें हंटिंग सीन और डांसिंग सीन, कुछ जानवर ऐसे बनाए जाते थे जो केवल उसी पीरियड में मिलते हैं, जिसमें बारहसिंगा है, भैंसा है, चीतल है, भैंसा है और गाय है, ये चीज़ें मिलती है, नील गाय वगैरह। लेकिन जैसे हिस्टोरिकल लेवल से प्रारंभ होता है उस पर इस प्रकार के पेंटिंग कोई नहीं मिलते, जानवर जरूर मिलते हैं लेकिन उसमें विशेष रूप से घुड़सवार है, युद्ध के सीन है, घोड़ा पहली बार जो एक क्षेत्र में हिस्टोरिकल लेवल में मिलता है, जो कि चालकोलिथिक लेवल है उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज्ड पेंटिंग है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो उसमें मोस्टली युद्ध के सीन ज़्यादा आते हैं, डांस वगैरह कितने कम आते हैं, मोस्टली घुड़सवार है, आर्चर है, तरनोधारी है और पैदल सैनिक है जो ढाल तलवार लिए, धनुष बाण लिए, कि कई प्रकार की सेना है। तो यहाँ मुख्य रूप से हाथियों के युद्ध है आपस में, जिसमें दो सेना है, बड़ी एक छोटी, तो बड़े हाथी पे राजा बताया, छोटी हाथी पे राजा बताया, तो उसको ये मतलब ये है कि एक बड़ी सेना है और एक छोटी सेना है, तो पूछे सेना आ रही है। भीमबेटका के पत्थर की गुफाओं की दिलचस्प बात ये है कि इनसे पता चलता है कि यहाँ लोगों के रहने का सिलसिला लगातार जारी रहा था और 1,00,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी तक यहाँ क्रमागत उन्नति होती रही। इस सिलसिलेवार उन्नति की झलक यहाँ की कलाकृतियों में दिखाई पड़ती है। इन कलाकृतियों में काल्पनिक जानवर, शिकार और तात्कालिक रिवाजों के चित्र हैं। भीमबेटका में कला को मोटे तौर पर 4 युगों में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत मेसोलिथिक युग से होती है। इस दौर के कलाकृतियों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद चालकोलिथिक युग आता है, जिसकी कलाकृतियां जरा जटिल हैं। आरंभिक ऐतिहासिक युग के आते आते हमें कलाकृतियों में घोड़े दिखने लगते हैं और बाद में मार्च करती सेना तथा युद्ध के चित्र देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन गुफाओं का सदियों से पारंपरिक और धार्मिक महत्व रहा होगा। भीमबेटका के आसपास के इलाके आदिवासी बहुल हुआ करते थे। डॉक्टर व्यास के अनुसार भोपाल और उसके आसपास की धरोहर बहुत समृद्ध रही होगी। ऐसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा, तो पूरे यदि हम विश्व की तुलना करेंगे तो विश्व की तुलना करें तो हर देश में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में मिलते हैं, और भारत में भी जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में, और ये भोपाल के आसपास जो 5 जिले हैं भोपाल डिवीज़न के, उस पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वैसे चित्रकला के दृष्टिकोण से हमने मुख्य रूप से 3 डिवीज़न बनाए, एक मध्य क्षेत्र जिसमें ये भोपाल के आसपास का क्षेत्र है, दूसरा रीवा का क्षेत्र वहाँ पर कई रॉक सेल्टर, और तीसरा मंदसौर का क्षेत्र जो चंबल नदी के किनारे हैं। तो चंबल के किनारे पर कई तरह के रॉक सेल्टर्स हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो बनाने की शैली है वो अलग है, क्योंकि ये बेतवा या शैली बेतवा वैली है और उधर चंबल वैली है, तो ये अलग अलग रिवर वैलीज में होने से इनकी स्टाइल भी बदल गई, रहन सहन भी बदल गया, खान पान भी बदल गया, सब चीज़ें उसमें बदल जाती। जब हिस्टोरिकल के बाद जब वो डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या है कि एक कला का थोड़ा सा पतन देखने को मिलता है, जितने हिस्टोरिकल के अच्छे हैं उतने मिडिवल में नहीं मिलते हैं, क्योंकि चूँकि क्या है उससे समकालीन जैसी समाज व्यवस्था थी वो अलग टाइप धीरे धीरे होने लगी, कला पे कम प्रभाव होने लगा, तो उस समय क्या है मिडिवल पीरियड में पूजा पाठ के दृश्य और जो आकृतियाँ होती थी वो ट्रेंगुलर शेप में होती, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होती, चाहे उसमें आदमी बनावे चाहे जानवर बनावे, सब ट्रेंगुलर शेप में होती थी, तो उसमें क्या है कि उतनी कार्यक्षमता उतनी शैली में सुंदरता नहीं थी, क्योंकि ये ट्राइबल्स तो काफ़ी समय से रह रहे हैं, ऐसे ट्राइबल्स यहाँ सेंट्रल इंडिया में एक क्षेत्र में 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद में जब राजाओं का समय कुछ ऐसा हो जाता है कि उस समय लोग नहीं रहे, तो ट्राइबल धीरे 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 बढ़ते, तो यहाँ पर जो असुविधा होने लगी
असुविधा रहने लगी, तो धीरे धीरे उन्होंने जितना ट्राइब जो पहाड़ी एरिया है आसपास गांव बनाना शुरू किए। तो यहाँ मुख्य रूप से इस क्षेत्र में गोंड जाति के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र में भी आता है, विंध्याचल में भी आता है, तो गोंड लोग यहाँ काफ़ी लोग थे, जिसमें दुर्गावती जो वहाँ की रानी थी गढ़मंडला की, उसके कई गढ़ थे। तो ये भोपाल के क्षेत्र भी, आसपास का रायसेन क्षेत्र भी है गढ़मंडला और उसमें आता था, क्योंकि यहाँ आदिवासी ज़्यादा थे। तो धीरे धीरे यहाँ असुविधा होने लगी खाने पीने की, रहने के लिए, तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ से मकान बनाने लगे। चूँकि कला एक परंपरा है, तो परंपरा वो समाप्त होनी हुई। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में प्रारंभिक जीवन के संकेत मिलते हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि ये भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है। भीमबेटका आने पर यहाँ की कलाकृतियों में अतीत की झलकियाँ मिलेंगी, जहाँ समय थम सा जाता है।